अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान के अंदर लिफाफा एसोसिएशन ने ये बयान बनाने की कोशिश की थी कि इमरान खान डर गया है। इमरान खान अब ये कह रहा है कि अमेरिका के गले लगना चाहता हूँ, जो मैंने अमेरिका के ऊपर इल्जामात लगाए थे वो मैं वापस लेता हूँ। इस पर अतर काजमी ने एक निजी टीवी चैनल पर बैठकर एक तारीफी जवाब दिया है एक एंकर को। अतर काजमी ने कहा कि डॉन न्यूज हो, जियो न्यूज हो या पाकिस्तान का कोई और मीडिया हाउस हो, इनकी समझ नहीं आती कि इनको अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती। अब इमरान खान ने जो इंटरव्यू दिया था वो उन्होंने अपने अखबार के अंदर लिखा, उन्होंने लिखा कुछ और इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ब्रेकिंग न्यूज बना के कुछ और चला दिया उर्दू जुबान में कि पाकिस्तान की कौम अनपढ़ है, इनको कौन सी समझ आती है, इनको कौन सा पता चलेगा। लेकिन जब इमरान खान ने इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू के दौरान उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की थी। देखिए, अखबार को जब आपने इंटरव्यू देनी होती है तो ऐसा नहीं होता कि आप लिख के भेजते हो। बंदा आता है, सामने बैठता है, वो आपसे सवाल पूछता है, आप इसके सवाल के जवाब देते हैं और फिर वो सारा का सारा इंटरव्यू अखबार के अंदर लिखा जाता है। तो इमरान खान ने वो वीडियो रिकॉर्ड की हुई थी, तो जब लिफाफा सहाफियों ने शोर मचाना शुरू किया कि ये देखिए इमरान खान डर गए है, इमरान खान पीछे हट गए है, तो इमरान खान ने अपने वीडियो को रिलीज कर दिया कि देखिए ये था मेरा बयान और मैं अपनी इस बात से आज तक पीछे नहीं हटा। एक बात इमरान खान पिछले 6 महीनों से कह रहे हैं कि अमेरिका का डोनाल्ड लू, उसने पाकिस्तान के एम्बेसडर असद मजीद को ये धमकी दी कि अपने मुल्क के अंदर ये पैगाम पहुंचाओ कि इमरान खान जो है आपके वजीर आजम, इनको नीचे उतारो, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको संगीन नताज भुगतना पड़ेंगे और अगर इमरान खान को आपने हटा दिया तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में जितने भी लिफाफा सहाफी है वो इस बात पर लगे हुए हैं कि इमरान खान पीछे हट गया है। तो इस पर इमरान खान ने बयान दिया कि उन्होंने इसको तोड़ मड़ोड़ के पेश किया है, ये लोग कभी भी आपने इंटरनेशनल मीडिया पर नहीं देखे होंगे, उन्होंने लंदन में अपने मर्जी के 2-3 सहाफी रखे हैं जो उनसे उनके मर्जी के सवाल करते हैं। ये एक मिनट भी इंटरनेशनल मीडिया का सामना नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने पहला सवाल यही पूछना है कि आप तो मुजरिम है, आप एक हफ्ता का कहकर आए थे फिर 3 साल से यहाँ पर बैठे हैं, आप पाकिस्तान वापस क्यों नहीं जाते। मियां साहब वहाँ खामोश हो जाएंगे, किसी किस्म का कोई जवाब नहीं होगा। इमरान खान ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि हमें कोई मसला नहीं, आप अभी इलेक्शन करा ले, आप इंतखाबात करा ले, जो जीता उसकी हुकूमत होगी। इमरान खान ने कहा सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, हमारा मुल्क नीचे जा रहा है। इमरान खान ने कहा अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया तो पाकिस्तानी रुपया अमरीकी डॉलर के सामने मजीद नीचे गिर जाएगा, इससे महंगाई में भी इजाफा होगा। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जिनने इस साजिश में हिस्सा लिया, मुल्क की इस माशी हालात का जिम्मेदार कौन है। और फिर इमरान खान ने कहा कि जब 7 माह पहले हमारी हुकूमत थी तो बैरूनी साजिश और अंदरूनी सहूलतकारों ने हमारी हुकूमत खत्म की, तो उस वक्त जो हमने कर्जा लिया हुआ था पूरी दुनिया से तो उसकी वापस ना देने का खदशा था वो सिर्फ 5% था कि हम वापस नहीं कर सकेंगे। सिर्फ 6 महीनों में जो रिस्क है वो 5% से बढ़कर 64.5% हो चुका है कि हम पैसे वापस नहीं कर सकेंगे। तो इमरान खान ने कहा ये हमें कबूल नहीं कि ये मुल्क का नुकसान करे, इसीलिए हम कहते हैं कि मुल्क में जल्द से जल्द इलेक्शन हो। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।